नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। अल्जरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को यह झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना कैबिनेट की सलाह अल्जरमैन की नियुक्ति संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सलाह के बिना एलजी नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एलजी एमसीडी में 10 एल्जरमैन नियुक्त कर सकते हैं, एलजी सरकार की सलाह के बिना काम कर सकते हैं। अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। अनामिका, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए मीनाक्षी, एलजी के फेवर पे ये फैसला आया है। पिछले साल एलजी ने 10 मनोनीत पार्षद को चुना था, 10 एल्डरमैन जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि एमसीडी में 250 नियुक्त पार्षद होते हैं जिन्हें चुना जाता है और 10 मनोनीत पार्षद चुने जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये चुनने का अधिकार आम आदमी पार्टी सरकार को है, लेकिन एलजी ने इन्हें चुना है बिना सरकार की सलाह और मशवरे के, जिस पे आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये पहले ही सुरक्षित कर लिया था। आज फैसला सुनाया गया जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि एलजी बिना आम आदमी पार्टी की सरकार की सलाह के बगैर इसे चुन सकती है। यानी एलजी को ये हक है कि ये जो 10 एल्डरमैन है वो एलजी चुन सकते हैं। मीनाक्षी,